नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में अब एक के बाद एक कई लोग सामने आ रहे हैं जो चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। इसी कड़ी में बोधगया के रहने वाले नीरज कुमार का नाम भी जुड़ चुका है। चंद्रमा पर जमीन खरीदने की बात सुनने में रोचक के साथ असामान्य लगती है, लेकिन बोधगया का एक युवक लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने चंद्रमा पर एक एकड़ जमीन खरीदी है। जो चांद पे जमीन खरीदा हूँ, एक एकड़ का प्लॉट, और पैसा तो काफ़ी कम है, लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी कठिन है। मतलब कितना पैसा लगा है? ये पैसा डॉलर में कन्वर्ट होके हुआ है, और ये लगभग 48,000 के करीब इसका है जो उस समय मुझे देना पड़ा था। और इसके बाद काफ़ी लंबा जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, सोर्स ऑफ इनकम है, ये काफ़ी कठिन है, जो कि काफ़ी मुझे ये मुश्किल से पूरा अपना जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट कर पाया मैं। अच्छा, ये किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये ज़मीन बेचती है या क्या है? ये लूनर इंटरनेशनल सोसाइटी है जो US का है, और काफ़ी मैंने उसके बारे में सर्च किया हूँ, तो वहाँ पर इस कंपनी ने शायद G16 जो काफ़ी जो देश होते हैं, शायद उस देश के थ्रू इनको है जो कुछ अधिकार दिया गया है, जिससे आप वहाँ पर डील कर सकते हैं या जो भी। तो जब मुझे वो ऑप्शन मिला था तो काफ़ी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करके मैं ये ज़मीन वहाँ पर परचेज किया हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आप चांद पर ज़मीन खरीदें? एक्चुअली मैं सुना करता था कि सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो इस ज़मीन का, मैं उनका काफ़ी बड़ा फैन रह चुका हूँ, क्योंकि वो बिहार के ही थे, तो उनका मैं काफ़ी हमेशा है जो विकिपीडिया से पढ़ते रहता था, तो मुझे पता चला था कि उन्होंने चांद पे ज़मीन लिया है। फिर शाहरुख खान के बारे में मुझे पता चला था कि वो भी लिए हुए हैं। फिर मुंबई के एक बिजनेसमैन है, मुझे नाम तो नहीं पता, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा था कि वो लोगों ने चांद पे ज़मीन लिया, तो मुझे लगा कि जब वो ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। बोधगया के बतसपुर के प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार गिरी ने लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल द्वारा ऑनलाइन एक एकड़ जमीन खरीदी है, जिसका रजिस्टर्ड क्लेम एंड डीड फॉर लूनर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ईमेल से आया है। इसके साथ उसके एक एकड़ जमीन की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर चंद्रमा पर स्थिति दिखाई गई है। उसे लूनर सिटीजनशिप भी दी गई है। करीब एक साल की प्रक्रिया के बाद नीरज को जुलाई के पहले सप्ताह में चांद पर एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री की डीड मिली है। इस डीड के मिलने के बाद से नीरज काफी उत्साहित है। शाहरुख खान और हाल ही में दिवंगत हुए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम से भी चांद पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।